कम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आई वी एफ चन्नी पर। आपको जो है आज मैं आपके ही सवालों का जवाब देने वाली हूँ। मैंने आपको बोला था कि डेली जो है मैं 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपके दूंगी, क्योंकि जब रिटर्न में मैं देती हूँ तो कुछ को समझ में नहीं आता है, तो मैं उनके जो 5 रिटर्न में भी दूंगी। जैसे वो मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैसेज का भी आंसर मैं दूंगी, लेकिन इसमें आपको मुझे अलग से अगर पूछना है तो आप मेरे को ये लिख कर उसमें भेज दीजिए कि इससे रिलेटेड आप वीडियोज़ में बताइए, तो मैं आपको वीडियो में अलग से बता दूंगी, तो उसमें मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, नेम तो किसी का भी नहीं मैंने जो है वो नोट किया है, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल चूज़ कैसे करें। हॉस्पिटल चूज़ करने के लिए आपको मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बना रखी है। हॉस्पिटल चूज़ करने के लिए मैंने कैसे किया था कि मैंने गूगल पर सर्च किया था। सर्च करने के बाद मैंने 2 से 3 हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर हैं, जो मैंने नेम तो नहीं लूँगी, वो मैंने सर्च किए थे। सर्च करने के बाद उनका कंसल्टेशन नंबर, जब भी हम सर्च करते हैं तो उनको, उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो उधर से हमारे पास कंसल्टेंट का फ़ोन आ जाता है कई बार। तो अगर नहीं आता है तो उनका कंसल्टेशन नंबर भी कई बार दे रखे होते हैं, उस पर हम फ़ोन करेंगे तो उनसे हम प्रॉपरली बात कर सकते हैं। बात करने के बाद वो फ़र्स्ट टाइम में हमारे को जब विज़िट करना होता है तो फ्री विज़िट कर, हम वहाँ पर हमारी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो फ्री होती है कई बार हॉस्पिटल की तरफ से। तो हम वहाँ पर मिलकर, वहाँ पर एनवायरनमेंट देख कर, वहाँ का जो है लैब्स को देख कर, वहाँ का जो है डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास हम विज़िट करते हैं, जैसे मैंने 1 या 2 बार विज़िट किया था, तो उनकी जो मेरी प्रॉब्लम थी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे अल्ट्रासाउंड करके बता दिया था, और कि जैसे हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी होनी होगी या नहीं, हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम थी मुझे। तो वो जो है आपका फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड भी कई बार फ्री करते हैं, मेरा फ्री हुआ था, 2 जगह मेरा फ्री हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह ऐसा था कि सिर्फ 1500 रुपये उन्होंने लिए थे और 6 महीने तक हम वहाँ पर कभी भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है उसमें पता चल जाएगा 1 या 2 महीने के अंदर। जैसे अलग अलग जगह आप जाओगे तो आपको एक ही जगह नहीं जाना है, 2 या 3 जगह चाहिएगा, जिससे आपको जो है पता चल जाएगा वहाँ के जो है माहौल के बारे में, वहाँ का सक्सेस रेट क्या है, वहाँ पर जो है कितने ऐसे जो है अभी तक हो चुके हैं, और मेरे लिए क्या जो है ट्रीटमेंट सूट करेगा, ब्लास्टोसिस सूट करेगा, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। आप सारे क्वेश्चन डॉक्टर के साथ करिए, और आपको जिसमें, जिस डॉक्टर का आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री, जिसमें लगेगी सेटिस्फैक्शन होगी, उसी पर आप अपना ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है USG, मेरे कितने USG हुए हैं। देखिए, मेरे अल्ट्रासाउंड्स जो है, सोनोग्राफी काफ़ी टाइम हुई है, ट्विंस की वजह से भी, और कुछ मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से भी, और कुछ ऐसे स्कैन्स हैं जैसे Level 1, Level 2, Level 3 का स्कैन है, NTNB स्कैन है, और काफ़ी ऐसे स्कैन्स हैं जो बीच बीच में होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको स्पॉटिंग हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, मुझे स्पॉटिंग हुई थी, मुझे फर्स्ट 4 मंथ तक स्पॉटिंग होती रही थी। ये स्पॉटिंग मुझे 14 डेज जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद से लेकर बीटा SCG के बीच में नहीं हुई थी, उसके बाद जो है मुझे स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई थी। जैसे ही मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था मुझे स्पॉटिंग हो गई थी, और वो स्पॉटिंग जो थी वो काफ़ी तेज़ थी, और उसका जो कलर था, पहले तो रेडिश कलर में होती है और वो काफ़ी फ्लो था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो हमारे को इमरजेंसी किट देते हैं उसके थ्रू इंजेक्शंस और मेडिसिन हम खाते हैं, वो फ्लो कम होता जाता है, और उसका कलर जो था वो ब्राउनिश कलर था। और ये जैसे 1 मंथ में मुझे एक बार होती थी, और वो 5 से 6 दिन, कई बार 10 दिन तक उसका फ्लो हल्का हल्का होता हुआ रहता था। तो ये मेरे को फर्स्ट 4 मंथ में प्रेगनेंसी के रही है। उसके बाद फिटल हार्ट बीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि फिटल हार्ट बीट जो थी उनकी नहीं आई है, तो वो सेकेंड IVF के लिए अब जाना चाहते हैं। तो देखिए, फिटल हार्ट बीट जो होती है वो डिपेंड करती है टोटली, जब हमारा एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उस पर डिपेंड करती है, उसके क्रोमोसोमनल, कई बार ऐसा होता है कि क्रोमोसोम प्रॉब्लम उसमें आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट बीट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हार्ट बीट को कोई डॉक्टर या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो है उसे ठीक नहीं कर सकता। हार्ट बीट की प्रॉब्लम जो होती है वो नेचुरली होती है, उसमें कोई आपका ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आती है।
ठीक है। उसके बाद है मोकेटी। मोकेटी से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस में शेयर की हुई है। मोकेटी में क्या होता है कि अगर हमारे को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हमारे को अंदर, क्योंकि जब भी हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है या एग को पिकअप किया जाता है तो एक डायलाइटर के थ्रू किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बच्चेदानी का मुँह होता है वो बहुत टाइट होता है, ये बिल्कुल क्लोज होता है, तो वो ये देखते हैं कि अगर हमें हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे पहले वो डायलाइटर डालकर देखते हैं कि अगर वो डायलाइटर ईजिली अंदर जा रहा है। वो दो या तीन बार होती है, पहले होती है जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उसके बाद एग पिकअप से पहले होती है, उससे पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले भी होती है, ठीक है। तो वो मोकेटी की जाती है जिसमें डायलाइटर डाल के अंदर देखा जाता है। उसमें आपको कुछ ऐसे परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि खाना पीना कुछ भी आप खा पी कर जा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको जो है अपना बाथरूम का जो है टॉयलेट का प्रेशर होना चाहिए, उसमें कुछ आपको बेहोश नहीं करते हैं। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है और उसमें वो डायलाइटर डालकर देख लेते हैं कि ईजिली वो अंदर जा रहा है या नहीं, ताकि उन्हें एग पिकअप के वक्त और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है मोकेटी इसलिए की जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर्स मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और औरों के भी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं डेली उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपने वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।